हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे हम SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा हम कैसे SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम रिकवर कर सकते। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे चला जाएंगे तो इधर नीचे मेरे को सर्च बार दिखेगा, वही सर्च बार में जाना पड़ेगा। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा ऑनलाइन SBI। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाके लिख देंगे ऑनलाइन SBI। ऑनलाइन SBI लिख के सर्च करने से पहला वाला जो लिंक आ जाएगा वही लिंक पर हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए इधर पहला वाला जो लिंक मेरे को दिख रहा है www.onlinesbi.com, वही लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो SBI इंटरनेट बैंकिंग का पेज इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इधर SBI इंटरनेट बैंकिंग का पेज आ गया। इधर लेफ्ट साइड में नीचे मेरे को पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उधर नीचे मेरे को लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इधर हमको कंटिन्यू टू लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन का पेज इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन कर देंगे। तो देखिए इधर मेरे को लॉगिन का पेज दिख रहा है। इधर मेरे को राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, वही फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इधर हम फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड जो दिख रहा है उधर क्लिक कर देंगे। उधर क्लिक कर देंगे तो फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड का पेज आ जाएगा। ये पेज को हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद तो देखिए इधर मेरे को दिख रहा है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड दिख रहा है। तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, इधर क्लिक कर देंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इधर ओपन हो जाएगा। इधर सेकंड में मेरे को एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट यूज़र नेम, वही फॉरगॉट यूज़र नेम ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड में जो ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट यूज़र नेम उधर क्लिक कर देंगे। अभी नीचे मेरे को नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, वही नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज इधर आ गया। इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CIF नंबर डालना पड़ेगा जो बैंक पासबुक के अंदर रहता है, उसके नीचे कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके नीचे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो बैंक के साथ रजिस्टर है, उसके नीचे हमको कैप्चा डालना पड़ेगा जो कैप्चा इधर दिख रहा है। तो ये पूरा फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट ऑप्शन दिखेगा, वही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा फिलअप कर देंगे। तो देखिए इधर हम पूरा फिलअप कर दिया। पूरा फिलअप कर देने के बाद नीचे मेरे को सबमिट ऑप्शन दिखेगा, वही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर मेरे को दिख रहा है मेरा रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, बैंक के साथ जो रजिस्टर मोबाइल है उधर OTP आ जाएगा, उधर से OTP लेके हमको इधर डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए इधर हम OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद नीचे जो कन्फर्म ऑप्शन दिख रहा है वही कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर मेरे को दिख रहा है यूज़र नेम हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी यूज़र नेम रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चला गया और नीचे मेरे को यूज़र नेम दिख भी रहा है। तो देखिए नीचे मेरे को दिख रहा है लॉगिन यूज़र नेम इज़ मेरे को यूज़र नेम इधर दिख रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीके से SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम रिकवर कर सकते। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।